नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आईपीएल में फिक्सिंग का लफड़ा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कड़ा कदम उठाया। श्रीनिवासन को फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन दरअसल श्रीनिवासन का नाम आने या न आने से क्रिकेट प्रेमियों को उतना बड़ा असर नहीं पड़ा। असर पड़ा इस बात से कि क्या खिलाड़ी और भी खिलाड़ी वाकई शामिल हैं? क्या फिक्सिंग से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कोई लेना देना हो सकता है? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन धोनी में इन सारे सवालों पर से पर्दा हटेगा। उससे पहले आपको बता दें कि स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दीपक शर्मा हैं, जिनकी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तमाम पहलुओं पर उनसे चर्चा करेंगे, क्या क्या चीजें यहां से निकल कर आई थी। हमारे साथ मौजूद हैं चेतन चौहान जी और मदन लाल जी स्टूडियो में, और सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। बाजार के इशारे पर, लेकिन रंगीन क्रिकेट का काला साया फिक्सिंग और इसमें सवाल उठ रहे हैं आईपीएल के कर्ता धर्ताओं पर, सवाल उठ रहे हैं बीसीसीआई के माई बाप रहे श्रीनिवासन की नियत पर, सवाल उठ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को चलाने वाली कंपनी इंडिया सीमेंट पर, सवाल उठ रहे हैं श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन। दुनिया भर के क्रिकेट में उस वक्त तूफान मच गया जब हिंदुस्तान के इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन खिलाड़ी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। इतना ही नहीं, इससे सनसनीखेज जांच के एक छोर पर क्रिकेट के बिग बॉस श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन थे तो दूसरे छोर पर अंडरवर्ल्ड का बॉस दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड और क्रिकेट बोर्ड के इस घालमेल में फिर कई और नाम उछले, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के मालिक और बॉलीवुड क्वीन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी शामिल थे। मुंबई पुलिस ने जब दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह को हथकड़ी पहनाई, क्रिकेट का कीचड़ हिंदुस्तान के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी उछला। ये नाम सिर्फ अखबारों की सुर्खियां और चैनलों की हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। देश के बड़े वकील हरीश सालवे ने धोनी पर बदनामी के बाण दाग दिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी किस तरह से श्रीनिवासन साहब ने प्रेशराइज करके फॉल्स स्टेटमेंट मुदगल के पास, मुदगल कमेटी के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दिलवाया कि मयप्पन एक क्रिकेट एंथुजियास्ट था। इस बातें को बड़ी जोर शोर से हमारे अधिवक्ता हरीश सालवे ने उठाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ईमानदार हैं या बेईमान? क्या धोनी के श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन से कोई साठगांठ है? क्या विंदु दारा सिंह भी धोनी के करीब पहुंच गया था? क्या कुछ क्रिकेटरों के स्पॉन्सरशिप के पीछे धोनी का कोई खेल है? क्या धोनी ने मुदगल कमेटी के सामने सच नहीं बोला? दाहिने हाथ, या यूं कहें कि धोनी के हर कारोबार के हमराज, जी हां, धोनी के मैनेजर अरुण पांडे, वो अरुण पांडे जो खुद रणजी क्रिकेटर हैं और बाजार में धोनी के साझीदार, जी हां, वो अरुण पांडे जिन्होंने धोनी के कहने पर 2007 में भारत में स्पोर्ट्स इवेंट की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के व्हाइट हाउस में, जहां आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में अरुण पांडे ने आईपीएल के तमाम पहलुओं को उजागर किया, विंदु से मयप्पन तक और फिक्सिंग से लेकर पैसे के खेल तक। अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। बहुत सारी बातें निकलनी अभी बाकी हैं। महेंद्र सिंह धोनी दरअसल सिर्फ टीम इंडिया के कप्तान नहीं है, वो एक उम्मीद है इस देश के लोगों के लिए, जिसने वर्ल्ड कप जिताया है, जिसने वर्ल्ड T20 में जीत दिलवाई, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई, जिसकी कप्तानी में भारतीय टीम विश्व नंबर एक बनी। जब ये बातें सामने आई कि क्या महेंद्र सिंह धोनी पर इस तरह के इल्जाम हो सकते हैं, तो दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन जानते हैं, मुश्किल ये है कि महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा जो भी शख्स है उसे कैमरे पर सामने आकर बोलने की अनुमति नहीं है। कोर्ट में लड़ाई चली,
कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप भी लगे थे और उस वक्त बीसीसीआई की तरफ से यह जवाब भी गया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने झूठ नहीं कहा था। महेंद्र सिंह धोनी से यह पूछा गया था कि क्या मैयप्पन टीम के मामलों में दखल देता था, धोनी ने कहा था नहीं। लेकिन हम ये जानना चाहते थे, अपने कानों से सुनना चाहते थे और इसीलिए धोनी के मैनेजर अरुण पांडे के सामने हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और तब जाना कि मैयप्पन का किरदार इस पूरे मामले में था। उसने मेरी सीट ले ली, आपने हमेशा नोटिस किया मैं और साक्षी बैठते साथ में, वो आया वो आके बगल में बैठ गया, मुझे गुस्सा आया क्योंकि वो लकी सीट थी मेरी। अच्छा, बहुत गुस्सा आया। मैं गया अंदर चाय पीने, चाय कॉफी पीने था, मैं आया देख रहा हूँ सीट पे बैठा हुआ है मेरे, मैं कहा इधर बैठा था पहले, मैं और साक्षी हमेशा साथ बैठते, उधर बैठा था, एक सीट खाली थी। तो होता क्या है कि आधे हम बैठते हैं आधे अपोनेंट टीम बैठती है ना पहले सीट में, तो पहले हम लोग तो बिल्कुल ब्लॉक करते हैं कि भैया किसी को नहीं बैठने देंगे। ये बेचारा चार सीट पीछे बैठा था। अब हम लोग तो भैया बिग बॉस दारा सिंह का लड़का तो अलग ही, तो दारा सिंह की इज्जत है, बाप का इज्जत, बाप का इज्जत होता है बॉस, इसने धो दिया सब कुछ। तो मैं आया तो मैंने साक्षी को बताया, साक्षी यार क्या यार इसको हटाओ यहाँ से, हमें शर्म आई थी कैसे हटाओ इसको। अरुण पांडे की माने तो साक्षी को बिंदु जानता था। नहीं, साक्षी ने बताया ना। अच्छा, अरुण पांडे साक्षी को कौन नहीं जानता है, साक्षी को दारा सिंह जानते पहले। अरे साक्षी आके मिला वहाँ पे, साक्षी को इसने ग्राउंड पे, साक्षी को कौन नहीं जानता है, कोई मैच देखने आएगा वहाँ पे साक्षी से नहीं मिलेगा। एम एस धोनी की वाइफ है बॉस, इंडिया का कप्तान है, सबसे बड़ा इंडिया ने वर्ल्ड का कप्तान है, मजाक है वो, मजाक तो इन लोगों ने बना रखा है ना, हर आदमी समझ रहा है, चाहे वो सरकार बैठी हो चाहे। लेकिन अब बिंदु के साथ जेल गए श्रीनिवासन के दामाद मैयप्पन की दास्तां सुन लीजिए। हमने अरुण पांडे से पूछा कि आखिर मैयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स के असली किंग कैसे बन गए, जवाब सुन लीजिए। उसको रूपा का हस्बैंड समझता था क्योंकि इंडिया सीमेंट में भी था ना, दामाद है वो, बहुत ज्यादा। ये बात सही है कि उसको ऑफिशियल एंट्री होती थी उसकी, देखिए ऑफिशियल एंट्री तो हम नहीं बता सकते कि होती थी कि नहीं होती थी, भाई बिल्ली गले में घंटी बना रहे कौन रोके, भाई दामाद है। धोनी के करीबी अरुण पांडे से फिर हमने सवाल किया, सिंह में जेल चले गए और क्या फिक्सिंग और बेटिंग के इस खेल में चेन्नई सुपर किंग्स के असली किंग का हाथ भी था, तो पांडे ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने में देर नहीं की। अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राहुल मेहरा जुड़े हैं और साथ ही आदित्य वर्मा जुड़े हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले में। हम बातचीत अपनी करें उससे पहले दीपक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर इस स्टिंग की ज़रूरत क्या पड़ी थी। देखिए, बहुत वाजिब बात आपने कही कि आखिर वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसे समय में धोनी का मैनेजर जो सबसे धोनी इज़ मैन फ्राइडे है, उसका स्टिंग क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली श्वेता, जिस तरह के सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहे थे और खासकर मुदगल जब कमेटी की रिपोर्ट रखी गई और जिस तरह के विवाद सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं धोनी का भी नाम आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज तक कोशिश करें इन सवालों को खंगालने की, और शायद धोनी को अगर जानना है तो आप अरुण पांडे से बेहतर मेरे ख्याल धोनी को नहीं जान सकते, क्योंकि वो धोनी के ना सिर्फ दोस्त हैं, ना सिर्फ करीबी हैं, आप कह सकते हैं ना बिजनेस पार्टनर है, बल्कि धोनी के मैनेजर हैं और एक साये की तरह अरुण पांडे साथ रहते हैं। तो इस वजह से ही अरुण पांडे से हमने बातचीत करने की कोशिश करी और जाहिर तौर पर हिडन कैमरे पर ही बातचीत हुई है। आप सबके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या हुआ आगे, क्या बातचीत में आगे निकल कर आया, धोनी के मैनेजर ने क्या कहा, कहीं आपके मन में छुपा सबसे बड़ा डर सच तो नहीं, या फिर क्रिकेट कुछ इस तरीके से मथा हुआ है कि इससे निकालने के लिए कहीं और कड़े कदम जरूरी हैं। हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे राहुल मेहरा जी, रंजीत कुमार जी, आदित्य वर्मा, साथ ही में मदन लाल जी और चेतन चौहान जी हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। तो ऑपरेशन धोनी आप देख रहे हैं, हमने एक हिस्सा आपको दिखाया है जिसमें ये अभी तक पता चला है कि आखिर धोनी
कि पत्नी साक्षी, धोनी के मैनेजर अरुण पांडे और उस वक्त जो एक साथ एक फ्रेम में नजर आए थे विंदु दारा सिंह, वो शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें हम आगे भी आपको कुछ खुलासे करेंगे। हम बताएंगे आपको कि आगे आखिर रिश्ते थे या नहीं थे, उस मुलाकात के बाद क्या रिश्ते गहरे हुए या नहीं हुए, लेकिन अभी हम चर्चा इसी मसले पर कर रहे हैं। राहुल मेहरा जी, फिक्सिंग या बेटिंग की जब भी बात होती है, जब तक खिलाड़ियों का नाम इसमें नहीं आता है, कहते हैं कि एक ग्लैमर फैक्टर नहीं आता है, दिलचस्पी ही नहीं होती है लोगों की, बेटिंग जैसी चीज में उतना नहीं होता है। जब श्रीशांत का नाम आया था या फिर बाकी खिलाड़ियों के तो नाम भी नहीं होते हैं, जब तक नेशनल टीम का एक खिलाड़ी नहीं खींचा जाता है, तब तक फिक्सिंग का जो पूरा मामला है वो उतना संगीन नहीं दिखता है। यहां पर धोनी के बारे में आगे हम कुछ खुलासे करेंगे, लेकिन धोनी का नाम जिस तरीके से आया, क्या हम ये समझ सकते हैं इतना बड़ा लीग, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े बड़े राजनेता जुड़े हुए हैं, क्या ये इतना छिछला, इतना ऊपरी हो सकता है? देखिए, अब धोनी का नाम आया वो कहां तक कितना सत्य है नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन इसमें आश्चर्य और अचंभा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अजहरुद्दीन भी कप्तान थे और वो तब के सबसे सक्सेसफुल कप्तान थे हिंदुस्तान के। हाँ, तब ये तमाशा जो ये नंगा नाच चल रहा है पैसे का और अंडरवर्ल्ड का और इलीगल एक्टिविटीज़ का आईपीएल नहीं था, लेकिन कप्तान तो तब भी इन्वॉल्व था, तो अचंभा तो किसी भी चीज़ का आजकल हो नहीं सकता। हाँ, दुख ज़रूर होगा अगर ऐसा कुछ तथ्य सबूत के तौर पर सामने आए, लेकिन कहना मैं ये चाहूँगा, देखिए खिलाड़ियों का तो जो गलती है वो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़े अगर भागीदारी हैं तो वो हिंदुस्तान के सारे जो टॉप पॉलिटिशियंस जो बीसीसीआई में बैठे हुए हैं उनकी है, क्योंकि इन्होंने सन 2001 में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आई सीबीआई की, उसमें कंक्लूजन चैप्टर जो था उसमें एक ही था कि हम करें तो क्या करें, बीसीसीआई जो है वो कंप्लेनेंट बनने को तैयार नहीं है अपने मैच फिक्स जो प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ, और हम 406 और 420 का मुकदमा तो डाल सकते हैं मिस अप्रोप्रिएशन का और चीटिंग का, लेकिन हमको उसके लिए कंप्लेनेंट चाहिए और बीसीसीआई बन नहीं रही। कोई ऐसा कानून नहीं है हिंदुस्तान में जो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग को डील करता हो। तो 2001 से लेकर 2014 तक, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे राजीव शुक्ला हों, सीपी जोशी, शरद पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र मोदी अब आ गए हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में, अनुराग ठाकुर, ये सारे लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं, लेकिन सारे के सारे एकजुट होकर, और सारे एक ही जुट हैं, बीसीसीआई में तो ये फेविकॉल का जोड़ है जो टूटे टूटता नहीं है, लेकिन जैसे ही ये पार्लियामेंट में आते हैं ये ऐसे दिखाते हैं जैसे ये एक ईंट कुत्ते का बैर हो एक दूसरे के साथ। तो ये क्या चल क्या रहा है, लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? 2001 से 2014 तक राहुल मेहरा जी, दरअसल दिलचस्प यही है, जब भी इस तरह की बहस होती है, डर है कि ये प्लेयर ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं इसमें, बहस को ये डर है, बहस दरअसल जब भी इस तरह की होती है तो मामला मुड़ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ, मामला मुड़ जाता है राजनेताओं की तरफ, लेकिन उंगली सबसे पहले किस ओर उठती है, जो आखिरकार ज्यादातर मामलों में, चेतन जी, यहां पर जिस तरीके से बार बार खिलाड़ियों को घेरे में लिया जाता है, और आखिरकार हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इससे बाहर ही निकल जाते हैं, किसी का नाम नहीं आता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की ओन टीम्स हैं यहां पर, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक खिलाड़ी मिलकर पूरे 100 जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी लीग में अकेला फिक्सिंग नहीं कर सकता है। अगर दिल्ली पुलिस के आरोपों को देखिए, चाहे मुंबई पुलिस के आरोपों को देखिए, ये गहरा है, क्यों नहीं उतनी गहरी जांच होती? देखिए, ये बड़ी बड़े आश्चर्य की बात है कि प्लेयर्स के ऊपर कार्रवाई तुरंत होती है, जो मुझे कभी कभी जो खलता है, मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि प्लेयर्स के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होती है, धड़ाके से एकदम से बैन कर दिया, बेचारे जो हैं हो गए, क्योंकि वो सीधे साधे होते हैं, उनमें से कुछ प्लेयर जो हैं बड़े प्लेयर होते हैं, कुछ प्लेयर तो बहुत ही छोटे प्लेयर होते हैं, उन्होंने जरा सा इधर उधर बोल भी दिया, बल्कि पिछले साल मुझे याद है कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें सिर्फ लोग जो कहीं बार में बैठे थे या कोई ऐसे आराम से बैठे हुए थे और किसी ने बढ़ चढ़ के जो बात करते रहते हैं ना, इन योर ईजी मोमेंट्स जो है, बढ़ चढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके आधार पर भी उनके ऊपर बैन लग गया, एक एक साल का बैन लग गया। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये जने कितने ये पहली बार हुआ है, मैं कहूँगा कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है या फिर जो नाम निकल कर आए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस ने किया होगा या फिर तमिलनाडु पुलिस या मुंबई पुलिस, उन्होंने जो नाम खोले, ये पहली बार हुआ है कि फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो मैनेजर
प्लेयर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हुए हैं, और अब ये आ गया कि प्लेयर्स तो हैं, प्लेयर्स आर स्मॉल फ्राइज, वो तो बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो इनमें इन्वॉल्व हो गए हैं। जो आपको ये एहसास हो रहा है कि खिलाड़ी आपको परिस्थितियों के शिकार नजर आते हैं, यहाँ पर तो हम धोनी के लिए आगे अभी दिखाएंगे, अभी अभी विंदु दारा सिंह का पहलू हमने देखा है कि किस तरीके से बातचीत हुई थी, लेकिन जब पहली बार ये सामने आया था तो उछाला इस तरीके से गया था जैसे कि साक्षी ने कोई गुनाह कर दिया था और वो जानती थी। क्या आपको अरुण पांडे की बातें सुनकर आपको इस बात को ये आपको लॉजिकल बात लग रही है कि वो गए होंगे उठकर अंदर, वापस आए होंगे, वहां पर बैठे होंगे और उसके बाद साक्षी से वहीं पर पहचान हुई होगी? नहीं देखिए, जो अरुण पांडे हैं ये तो उनका धोनी का एजेंट भी है और इनको जानता भी है, और वो अंदर जाने को उनको एक्सेप्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकते, पर उनकी बातचीत जो उनको काफ़ी ज़्यादा मालूम होता है जो वो बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जब आप सब कैमरे के सामने बात की है तो वो सच्ची बात की होगी। पर एक बात ज़रूर है कि जो राहुल मेहरा ने कहा कि हम 2001 से लेकर 2014 तक हमारे जो बोर्ड के अधिकारी, इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि किस तरह से इस मैच फिक्सिंग को खत्म किया जाए। और बिल्कुल एक बात उनकी और भी सही है कि पार्लियामेंट में जाते हैं, क्यों नहीं उन्होंने ऐसे लॉ बना दिया जिससे इतना ज्यादा सख्ती कर दें कि ताकि कोई सोच ना सके। बाकी जो आपका सवाल का जवाब ये जरूर है कि जो अरुण पांडे है उसको अंदर जाने का पूरा जाते भी हैं, पर यह है कि ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकते। मैं भी कोच रहा हूं। यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक जो स्टिंग ऑपरेशन खासकर क्रिकेट पर हुए हैं, बैटिंग पर हुए, ज्यादातर फेंस सिटर्स हैं, छोटे मोटे बुकीज हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं या किसी टीम के एक्स्ट्रा में बैठने वाला कोई प्लेयर है। यहाँ पर हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा कप्तान और उसका एक मैनेजर जो बहुत खास आदमी, आपको ऑथेंटिसिटी क्या लगती है? ये जो बोल रहे हैं, ये जो रिवील कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के भीतर का एक आदमी कोई बोल रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, इनको मालूम होता है, ऐसे कोई भीतर का ही आदमी बोल रहा है, जो उनको पता है तभी बोल रहा है ना, नहीं तो अगर उनको पता ही ना हो तो कैसे वो बोल ही नहीं सकता। और उसका सब रिलेशन क्लोज रिलेशन है जो नहीं कहता, पर मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कैप्टन ऐसी 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 मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, ये नहीं मैं मेरे जहन में भी नहीं आ सकता कि वो इन्वॉल्व होगा। बाकी बातें ये कह रहे हैं कि एक मैनेजर धोनी का है वो एक ऑथेंटिसिटी की बजाय छोटा मोटा बुकी या कोई फैन सिटर प्लेयर, मैनेजर भारतीय टीम के कप्तान का, तो क्या लगता है कि वजन है बातों में? नहीं वजन तो है, वजन क्योंकि वजन तो होगा, क्योंकि देखिए उसको इन एंड आउट का पता है सारा कुछ, क्योंकि तभी वो बात करता है बाहर जाकर, और अगर जब बात करता है तो उसकी अपनी समझ से क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है उसके बारे में बात करता है। बाकी देखिए जो बात करेगा, किसी के सामने बात कर रहा है वो गलत बात नहीं कर रहा, जो भी कह रहा है आपको बता रहा है वो एक जो बात उससे बीती है तभी वो आपके कैमरे के सामने। चलिए बातें अभी और भी हैं, बातें अभी और भी हैं।